नंबर 11.6 देखो ए समरूपता नियम। देखो आपके क्या है सवाल में, दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। हमें बताना है कि दो समान कोणिक त्रिभुज, जिन दो त्रिभुजों के दो कोण कैसे हो बराबर, वो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। आप इसको ए भी नाम दे सकते हो या नाम इसका ए ए भी दे सकते हो, ए समरूपता नियम। क्योंकि जिन दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक क्या होता है आपके बराबर। देखो ये मान लो कोई एक त्रिभुज है और ये इस पास में दूसरा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। हमें ये सिद्ध करके बताना है। इसके लिए देखो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण, दो त्रिभुजों के दो सम कोण बराबर हो, तीसरा कोण क्या होता है ऑटोमेटिक बराबर होता है। वो कैसे देखो, मान लो ये 60 है और ये भी आपके 60 है, दोनों कितने 120, तो ये भी कितना होगा, क्योंकि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग कितना होता है। इसी प्रकार ये 60 ये भी 60, वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक क्या होता है आपके बराबर। अब देखो ध्यान दो, पहले आपसे सवाल में कहा है दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर कैसे होते हैं, समरूप। पहले तो दो त्रिभुज बनाने, एक त्रिभुज तो ये नाम है ए बी और सी, एक और बनाओ, एक थोड़ा बड़ा बनाना है और एक थोड़ा छोटा बनाना है, एक ये बना दिया, नाम है पी क्यू आर, नाम कोई भी दे सकते हो। अब इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अब आपको नियम बताया हुआ है दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उसके कोण क्या हो बराबर और भुजाएं कैसी हो, समानुपाती। अब देखो दोनों के कोण तो बराबर हैं, हमें क्या करनी है भुजाएं कैसे करनी है, समानुपाती करनी है। अगर हम भुजाएं समानुपाती कर देंगे तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। मतलब पहले लिख लो आपको उत्तर क्या लाना है, उत्तर क्या लाना है, जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा और वही अनुपात इसमें और इसमें होगा। मतलब संगत भुजाएं होनी चाहिए आनुपातिक और सभी कोण होने चाहिए बराबर, कोण तो पहले बराबर है, भुजाएं कैसे होनी चाहिए, आनुपातिक। मतलब आपको उत्तर लाना है AB बटा इस भुजा का नाम PQ बराबर AC बटा PR, AC बटा PR बराबर BC बटा QR, BC बटा QR। अगर ये लिया है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, कौन कौन सा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, मतलब ये लाना है हमें। अगर ये लिया है तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे आपके समरूप। तो देखो सबसे पहले सवाल में क्या लिखेंगे, दिया हुआ, बताओ क्या दिया हुआ है, दो त्रिभुज हैं, एक तो ए बी सी और एक पी क्यू आर, क्या लिखोगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या बराबर है बताओ, कोण बी बराबर क्या है आपके कोण क्यू, इस कोण के ये कोण बराबर है, दूसरा कोण सी बराबर क्या है आपके कोण सी बराबर है कोण आर, और ये वाला कोण भी क्या है आपके बराबर ही है, तो इसको भी लिख दो चाहो तो, कोण ए बराबर क्या है आपके कोण पी, और आपके तीसरी चीज दी हुआ है कोण ए बराबर है कोण बी। आगे समझे, हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है, कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, कैसे होते हैं समरूप। क्या नाम है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये लाना है हमें, ये सिद्ध करना है। अब देखो इसके लिए करनी पड़ेगी हमें रचना, बताओ क्या रचना करेंगे, देखो ध्यान से देखना हम क्या करेंगे, ये जो ए बी लाइन है इसके बराबर हम यहाँ कोई बिंदु लेंगे इसका नाम दे दो डी, इधर भी एक बिंदु लेंगे इसका नाम दे दो ई, और इसको मिला दो, हम क्या करेंगे ए बी और ये पी डी क्या है आपके बराबर,
एसी और ये पीक है आपके बराबर, मतलब ये वाली रेखा इसके बराबर है और ये वाली रेखा इसके बराबर है, ये हम रचना करेंगे। तो क्या लिखो बताओ, एबी बराबर क्या है आपके पीडी, दूसरी एसी बराबर क्या है आपके पी, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, हमने क्या कर दी है रचना। अब उत्पत्ति में ध्यान से देखना, हमें ये दोनों त्रिभुज कैसे करने हैं, मतलब समरूप करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले ये वाला और ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। अब ये और ये त्रिभुज क्यों लेंगे, क्योंकि इसकी भुजा इसके बराबर, इसकी भुजा इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जिस त्रिभुज की तीन चीजें बराबर होती है वो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। और आपको पहले बताया जो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूपी होते हैं। ये दोनों समरूप हो जाएंगे, फिर इन दोनों को समरूप कर देंगे तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और फिर हम दोनों को क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे। तो पहले लेना ये वाला और ये वाला, बताओ इसका क्या नाम है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज क्या नाम है, पी क्यू आर से। ध्यान से समझना, हमें इन दोनों त्रिभुजों में कितनी चीजें बराबर करनी है, तीन चीजें बराबर करनी है। पहले ए बी बराबर क्या है, पी डी, क्यों बराबर है, क्योंकि हमने क्या की थी रचना। इसी प्रकार एसी बराबर क्या है, ये भी क्या क्यों बराबर है, क्योंकि हमने क्या की थी रचना। क्या लिखोगे, ए बी बराबर पी डी और दूसरी एसी बराबर पी, बताओ दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि हमने क्या की है रचना। अब कोण ए बराबर क्या है, क्योंकि सवाल में हमारे पास दिया हुआ है। क्या लिखोगे, कोण ए बराबर कोण बी, क्यों बराबर है, सवाल में दिया हुआ है। ओके, तीन चीजें बराबर, बताओ जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर है दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम, मतलब एबीसी और पीक्यूआर कैसा त्रिभुज है, सर्वांग सम है। अतः क्या लिखोगे, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पीक्यूआर, दोनों सर्वांग सम है। अब ये और ये सर्वांग सम है, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, PDE सॉरी क्या नाम है, PDE, ये वाला नहीं है, PDE है, यहाँ भी PDE लिखो, क्या नाम है PDE। हम ये और ये ले रहे थे, अब देखो ध्यान दो, दोनों सर्वांग सम हो गए। अगर दोनों सर्वांग सम है तो इसके सभी संगत भाग और सभी संगत कोण क्या होंगे, बराबर, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। अतः क्या लिखोगे, कोण बी किसके बराबर है, कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण डी के, तथा दूसरा कोण सी किसके बराबर है, कोण ई के, यानी दो कोण सी बराबर है कोण ई के, क्यों बराबर है दोनों, बाई सीपी सीटी, बाई सीपी सीटी, सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ध्यान दो, बी किसके बराबर, डी के बराबर, और बी किसके भी बराबर था, क्यू के भी बराबर, बी डी के भी बराबर है और बी क्यू के भी बराबर है, सी ई के भी बराबर है और सी आर के भी बराबर है, ये वाला कोण दोनों के बराबर है, मतलब ये कोण और ये कोण क्या हो गया आपके, ये कोण भी क्या हो गया आपके बराबर। क्या लिखोगे, कोण बी किसके बराबर है, कोण डी के, और किसके बराबर है, कोण क्यू के भी बराबर है, ये आपके कोण क्यों के बराबर। अब ये दोनों कोण देखो, ये वाला कोण दोनों बराबर है, ये और ये बराबर हो गए, इसी प्रकार ये और ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नाम लिख लो इधर, कोण सी किसके बराबर है, कोण ई के, और कोण सी किसके बराबर है, कोण आर के भी बराबर है, ये कोण आर के, मतलब ये दोनों कोण भी क्या हो गए आपके बराबर, बराबर हो गए। अब देखो ये लाइन, ये लाइन, ये कोण क्या है, दोनों किधर है, ऊपर की तरफ, ये और ये कोण क्या है, दोनों बराबर, किधर है बताओ, कौन से कोण है, दोनों कोण कौन से कोण है, चाहे तो अलग लिख दो इधर या यही लिख दो, कौन से कोण है आपके, संगत कोण, संगत कोण में से क्या होते हैं बराबर। अब कल बताया था, क्या बताया था, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, दो रेखाएं और उनको तीरे रेखा काटती है, उस रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण कौन से होते हैं, और संगत कोण में से क्या होते हैं बराबर। देखो अगर रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण क्या होते हैं बराबर, अगर संगत कोण बराबर है तो रेखाएं कैसी होती है,
मतलब ये और संगत कौन है, ये भी संगत कौन है, तो ये रेखा और ये रेखा क्या हो जाएगी समांतर। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी समांतर। क्या नाम है, क्यों आर समांतर है डी, ये दोनों समांतर है, दोनों समांतर आ गए। अब लगाएंगे प्रमेय नंबर कौन सी, 11.1। अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं कैसी होती है, अनुपातिक। इसके लिए हमें लेना पड़ेगा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। क्या नाम है, क्या लिखोगे, त्रिभुज पी डी ई व त्रिभुज क्या नाम है पी क्यू आर से। देखो हमने दोनों समांतर कर दिए, नियम है अगर रेखाएं समांतर हैं तो भुजाएं कैसी होती है, अनुपातिक। भुजाएं कैसी होती है, अब यहाँ भी देख लो, पहले हमें एक नाम लाना है पी क्यू और एक नाम लाना है ए बी। पी क्यू लाना है पूरी भुजा, पूरी भुजा लाना है और एक क्या लाना है ए बी। अब ए बी तो इसमें है ही नहीं, इसमें या तो पी डी है या डी क्यू है। अब हमने रचना की थी वहां देखो ए बी किसके बराबर है पी डी के, हम एक को लेंगे पी डी और एक लेंगे पी क्यू। देखो ये लेंगे एक को लेंगे पी डी और एक लेंगे पी क्यू, फिर पी डी का नाम चेंज कर देंगे और क्या लिख देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये करना है, बताओ जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा, क्यों होगा बाय बीपीटी वो कर देंगे। तो बताओ क्या नाम है, पी डी बटा पी क्यू बराबर पी ई बटा पी आर, पी ई बटा पी आर ये क्यों होगा बताओ बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। आगे बात समझ, अब देखो क्या करना है, हमें ये लाना है, ये लाना है। इसके लिए देखो पी क्यू भी आ गया, पी आर भी आ गया, क्या नहीं आया ए बी नहीं आया और ए सी नहीं आया। अब इसके लिए क्या करना है, ए बी देखो ये रहा, ये दोनों और नाम चेंज कर दो इसको, क्या नाम है बताओ, ए बी बराबर तो क्या था आपके पी डी, दूसरा ए सी बराबर क्या था आपके पी, बताओ ये दोनों क्यों बराबर थे, ये दोनों बराबर थे हमारे पास रचना से। तो यहाँ क्या करेंगे, नाम चेंज कर दो इनके, क्या जाएगा देखो पी डी की जगह क्या लिखोगे ए बी बटा पी क्यू बराबर पी की जगह क्या लिखोगे ए सी बटा पी आर। आगे दोनों नाम, अब बताओ तीसरा, अब क्या लिखना है इसी प्रकार, क्या लिखना है इसी प्रकार, मतलब ये रामायण तुम वापस करोगे तो क्या हो जाएगा, जो अनुपात इसमें और इसमें आ जाएगा, इसमें और इसमें, तो आप क्या लिखने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार लिखे ये लाइन लिख देंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर। अगर ये तीनों ऐसे हुए तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे आपके समद्विबाहु। 11.7 एस 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 नियम, पहले तो था ए ए कौन कौन कौन, अबे भुजा 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 नियम। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, दो त्रिभुज है उसमें संगत भुजाओं का अनुपात क्या है आपके बराबर, पहले त्रिभुज बनाने दो, एक तो बनाना है छोटा और एक बनाना है बड़ा। देखो एक तो ये वाला त्रिभुज है आपके, नाम दे दो कोई भी, ए बी और ये हो गया सी। एक है आपके ये वाला बड़ा त्रिभुज, नाम दे दो पी क्यू आर। अब इसने कहा है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या है आपके बराबर, जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा, वही अनुपात इसमें और इसमें होगा, ये आपके सवाल में दिया हुआ। सबसे पहले लिखो सवाल में दिया हुआ, बताओ क्या दिया हुआ है, जो अनुपात इसमें और इसमें है, किसमें ए बी बटा पी क्यू, अनुपात को किसमें लिखते हैं भिन्न में, बराबर वह अनुपात ए सी बटा क्या नाम है पी आर और वही अनुपात बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर में है, यह आपके सवाल में दिया हुआ है। अब हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज परस्पर कैसे होते हैं समरूप, मतलब हमें यह सिद्ध करना है कि एबीसी और पी क्यू आर कैसे होते हैं समरूप होते हैं। बताओ क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये करना है हमें सिद्ध। अब इसके लिए करेंगे हम रचना, क्या बताओ वही जो अभी पिछले सवाल में की थी सेम वही करना है। अब क्या रचना करेंगे, इस ए बी के बराबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर नाम क्या ले लो डी, क्या दे दो डी दे दो,
एबी के बराबर क्या है आपके, ये और ये बराबर है। दूसरी एसी के बराबर क्या देंगे हम यहाँ पर, ई दे दो। ये और ये क्या है आपके बराबर, क्या नाम है बताओ। एबी बराबर क्या खींची हमने, ई डी। इसी प्रकार दूसरी एसी बराबर क्या है आपके, टी ई। ये हमने क्या कर दी रचना, और इस लाइन को मिला दो इधर, मतलब आपके ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। अब देखो पत्ति में ध्यान से समझना, पहले करेंगे हम इन दोनों को समरूप, पहले इन दोनों त्रिभुजों क्या कर दो समरूप। जैसे ये दोनों समरूप हो जाएंगे फिर इसको और इसको समरूप करेंगे, तीनों क्या हो जाएंगे आपके समरूप, और हम दो ले लेंगे दोनों। तो देखो सबसे पहले ये वाले लेने हैं दोनों, ये और ये। देखो अगर ये दोनों ले रहे हैं तो नाम भी किसके आने चाहिए, इसके आने चाहिए। अगर ये दोनों लिए तो नाम भी इसके आने चाहिए। अब ध्यान दो इसके लिए नाम के लिए, देखो आपके यहाँ दिया हुआ था, देखो एपी बटा पी क्यू और एसी बटा पी आर। ये देखो ये पी क्यू आ रहा है, पी आर आ रहा है, एपी और एसी आ रहा है। हम यहाँ से नाम चेंज कर देंगे, पहले ये लो क्या नाम है बताओ, एपी बटा पी क्यू। एपी बटा पी क्यू बराबर एसी बटा पी आर, बताओ ये बराबर क्यों है, सवाल में दिया हुआ। और हमने ये क्यों लिया, क्योंकि हम ये दोनों त्रिभुजों को समरूप करना चाह रहे हैं, तो नाम भी किनके आने चाहिए, दोनों त्रिभुजों के आने चाहिए। अब देखो पूरे नाम पी क्यू और पी आर तो आ गया, क्या नहीं आया बताओ, एपी और एसी नहीं है। ये देखो ये एपी बराबर क्या है, पी डी। एसी बराबर क्या है, तो यहाँ नाम चेंज कर देंगे, बताओ क्या लिखोगे, एपी बराबर पी डी और एसी बराबर क्या है, बताओ ये क्यों बराबर है। हमने क्या की थी रचना, अब यहाँ नाम चेंज कर दो, क्या हो गया बताओ, एपी बटाओ क्या लिखो, पी डी बटा क्या हो जाएगा पी क्यू, एसी बटाओ क्या लिखो, पी बटा क्या हो जाएगा पी आर। अगर ऐसा है देखो पी डी बटा पी क्यू जो अनुपात इसमें और इसमें है वह अनुपात इसमें और इसमें होगा। अगर ऐसा है तो बताओ क्या होगा, रेखाएं कैसी हो जाएगी समांतर, परमे नंबर कौन सी 11.2 11.1 में, तो क्या अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं कैसी होती है आनुपातिक, अगर भुजाएं आनुपातिक तो रेखाएं कैसी हो जाएगी समांतर। आता है ये वाली लाइन क्या हो गया आपके समांतर, क्या नाम है, क्यू आर समांतर क्या है आपके ली। ये रेखा और ये रेखा क्या हो गया आपके समांतर, ऐसा क्यों होगा, प्रमेय नंबर 11.2 11.1 का विलोम हो गई। अब रेखा समांतर हो गई, ये वाला कोण और अब लेंगे ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या नाम है पीडीई और पी क्यू आर, क्या लिखोगे त्रिभुज पीडीई व त्रिभुज पी क्यू आर से, दोनों त्रिभुजों को कैसा करना है हमें समरूप करना है। अब इसके लिए देखो रेखा समांतर है, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण क्या हो जाएगा बराबर, कौन से कोण संगत कोण, रेखाएं समांतर तो संगत कोण कैसे हो जाएंगे बराबर, क्या लिखोगे कोण नंबर एक बराबर है कोण नंबर क्यू बराबर है संगत कोण। इसी प्रकार कोण नंबर तीन और ये कोण नंबर चार, बताओ ये क्यों बराबर हो जाएंगे संगत कोण, क्या लिखोगे कोण नंबर तीन बराबर है कोण नंबर चार, मतलब क्यों बराबर है, ये आपके वापस से संगत कोण। अब लगाएंगे परमेय नंबर 11.6 ए नियम, जिन दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर है दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं समरूप, अभी भी की 11.6 बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण, इधर से बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण और छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण, तीसरा तो देखो दोनों में कॉमन है वैसे दो कोण बराबर तो तीसरा क्या हो जाता है ऑटोमेटिक बराबर, बताओ कौन सा नियम लग गया ए नियम द्वारा हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये जो दोनों त्रिभुज है ये कैसे हो जाएंगे समरूप, क्या नाम है त्रिभुज पी डी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों हो गए समरूप। अब लेंगे हम ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को भी क्या करेंगे हम समरूप करेंगे,
अब वो कैसे करेंगे, देखो इन दोनों में क्या चीजें बराबर है, एबी और पीडी बराबर थी क्योंकि हमने क्या की थी रचना, एसी और टी क्यू टी भी क्या थी बराबर क्योंकि हमने क्या की थी रचना। अगर हम तीसरी भुजा को बराबर कर दें तो ये भुजा और ये भुजा को क्या कर दे बराबर, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। अब इसके लिए देखो क्या करना है हमें, इसके लिए देखो ध्यान दो, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है आपके क्या समरूप, तो बताओ इसकी जो भुजाएं होगी वो कैसी होगी अनुपाती। छोटे त्रिभुज की पीडी भुजा बड़े त्रिभुज की पी क्यू भुजा, जो अनुपात इसमें है और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा, वही अनुपात इसमें और इसमें होगा। क्या लिखोगे, पीडी बटा पी क्यू, पीई बटा पी आर, डी बटा क्यू आर, दो त्रिभुज है यहाँ ऐसे समझ लो। एक का नाम तो क्या है पी डी ई और इसी के पास में दूसरे का क्या नाम है पी क्यू आर, है ना। जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा, वही अनुपात इसमें और इसमें होगा, क्यों होगा क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं समरूप है। लिखो क्या नाम है, जो अनुपात PD बटा PQ में है वही अनुपात। अब देखो इस त्रिभुज की छोटी भुजा और इस बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा, अब इधर भी छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा और बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा, क्या नाम है DE बटा QR, और वही अनुपात PE बटा PR, PE बटा PR क्यों होगा, ये सब क्यों होगा बाय सीपीएसटी सर्वांग सम्मय को लगाना है सीपीसीटी और यहाँ लगाना है सीपीएसटी। एस का मतलब क्या होगा सिमिलरिटी, मतलब समरूपता। जो अगर यदि दो त्रिभुज क्या है आपके समरूप तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है अनुपातिक, तो यहाँ आपको सीपीसीटी की जगह क्या लगाना है सीपीएसटी लगाना है क्योंकि वहां तो सर्वांग समता और ये क्या हो गया आपके समरूप हो गया। अब हमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या करनी है बराबर, ये दोनों बराबर करनी है तो नाम किसके आने चाहिए दोनों के आने चाहिए। अब बताओ दोनों के नाम कहाँ है, देखो डी ये रहा डी तो है और इधर क्या नाम होना चाहिए बीसी, बीसी नाम होना चाहिए, तो देखो इसके लिए डी के सामने किसका नाम बीसी का नाम और क्यू आर के सामने क्यू आर का नाम आना चाहिए, तो हम तीनों नहीं छोड़ कर ये दो लेने के हो। देखो क्या नाम है PD बटा PQ बराबर DE बटा QR, DE बटा क्या हो गया आपके QR क्योंकि अपने अभी सिद्ध किया QR। अब ध्यान से देखो PD बराबर क्या है AB, PD बराबर क्या है नाम चेंज कर देंगे हम, क्या लिखोगे AB बराबर क्या है आपके PD, नाम चेंज कर दो क्या लिखो PD बटा क्या लिखो AB बटा PQ और यहाँ क्या हो जाएगा DE बटा QR। अब ध्यान दो D के सामने किसका नाम आना चाहिए BC का, सवाल में ये रहा BC बटा QR है, देखो ये दोनों तीनों क्या है आपके बराबर AB के बराबर भी हो गए AB बटा PQ और BC बटा QR क्या होगा बराबर, क्या लिखोगे AB बटा PQ बराबर क्या होगा BC बटा QR, PR नहीं QR, ये दोनों ले रहे। अब देखो AB बटा PQ इसकी जगह ये नाम लिखे क्योंकि दोनों क्या है आपके बराबर, क्यों बराबर थे ये सवाल में दिया हुआ, नाम लिखो इधर क्या लिखोगे यहाँ लिखो ये क्या लिखोगे BC बटा QR बराबर क्या हो जाएगा D बटा QR, देखो इधर नीचे भी QR और नीचे भी QR से QR कट गया, इधर भी एक बार और इधर भी क्या करोगे वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा BC बराबर D, और हमें ये बराबर करनी थी BC और D क्या हो गया आपके ऐसे मान लो समीकरण नंबर एक। अब लेंगे त्रिभुज ये वाला और ये वाला, क्या नाम है ABC और PDE, क्या लिखोगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PDE से दोनों त्रिभुज लेना, दोनों में कितनी चीजें बराबर कर दो तीन चीजें बराबर कर दो, AB बराबर क्या है पीडी, AC बराबर क्या है पी क्यों बराबर है सवाल में दिया हुआ है, क्या लिखोगे AB बराबर क्या है आपके पीडी और दूसरी
ए बी बराबर पी डी, ए सी बराबर क्या है पी, ए सी बराबर है आपके पी, दोनों क्यों बराबर है रचना से, हमने रचना की थी रचना से बराबर है। अब ये देखो तीसरी चीज ये बराबर बी सी बराबर क्या है डी, क्योंकि अभी हमने क्या किया सिद्ध किया, क्या लिखोगे बी सी बराबर क्या है आपके डी, उसे मान लो समीकरण नंबर एक से, एक नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर, तीन चीजें बराबर हो गए। बताओ जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर है, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं सर्वांग सम, समरूप नहीं होते, कैसे होते हैं सर्वांग सम, को हम कैसे बना सकते हैं समरूप बना सकते हैं, तो क्या लिखोगे अतः क्या नाम है बताओ जरा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी डी ई, अब बताए भाई सर्वांग सम कैसे होते हैं समरूप हो सकते हैं, या ऐसे लिख दो या ऐसे लिखो तो भी राइट रहेगा, और क्या लिखो इनको त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी डी ई, देखो ये किसके समरूप और ये किसके समरूप, तीनों क्या हो गए समरूप, तीनों क्या हो गए समरूप, ये नाम है और पहले ये नाम यहाँ भी क्या नाम है त्रिभुज पी डी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखो एबीसी किसके समरूप पी डी के, और पी डी किसके समरूप, तीनों क्या हो गए समरूप, हमें कौन से चाहिए हमें ये दोनों चाहिए, अतः क्या लिखोगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। में नंबर 11.8 अबे एस ए एस समरूपता नियम, यदि दो त्रिभुज त्रिभुजों में कोई दो संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती हो, कोई दो त्रिभुज हैं, पहले त्रिभुज बनाओ एक तो छोटा बनाए एक बड़ा बनाना है, एक तो बनाओ ऐसे छोटा वाला, नाम दे दो ए बी और ये हो गया आपके सी, एक बनाए बड़ा, एक बड़ा बना दो क्या नाम हो जाएगा बी क्यू आर, दो त्रिभुज है एक तो छोटा है और एक बड़ा है एबीसी और पी क्यू आर, दो त्रिभुजों की कोई दो संगत भुजाएं परस्पर कैसी हैं समानुपाती, समानुपाती है, अब ध्यान दो समानुपाती मतलब क्या होता है दो भुजाएं, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, दो भुजाएं हैं तथा उनके मध्य के कोण परस्पर बराबर हैं, उनके जो भुजाओं के मध्य के कोण क्या है आपके बराबर, अब ध्यान दो अगर भुजा ये वाली और ये वाली ले रहे हो तो कोण आएगा ये वाला, अगर भुजा ये वाली और ये वाली ले रहे हो तो कोण आएगा ये वाला, मध्य वाला कोण लेना है आप, पहले ध्यान दो ये और ये ले लो, ये और ये ले लो, मतलब जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा, ये दिया हुआ है, और इन दोनों के कोण बीच वाला कोण भी क्या दिया हुआ है आपको बराबर दिया हुआ है, अगर ऐसा है तो दोनों कोण कैसे होते हैं दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं दोनों त्रिभुज होते हैं आपके समरूप, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दिया हुआ, बताओ सवाल में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दो त्रिभुज है, क्या नाम है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या दिया हुआ है कोण ए बराबर क्या है आपके कोण पी, कोण ए बराबर है कोण पी, बताया अगर भुजाएं दोनों ले रहे हो कोण ये लेना बीच वाला लेना है, दोनों भुजाओं के बीच वाला लेना है कोण, कोण ए बराबर क्या है कोण पी, और भुजाएं कैसी है समानुपाती, जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा, क्या नाम है ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, ये भी आपको सवाल में दिया हुआ है, हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं समरूप, क्या नाम है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, समरूप होते दोनों त्रिभुज, अब करेंगे हम रचना, आप बताओ क्या रचना करेंगे वही जो पहले सवाल हम किए, वही जो पहले वाले सवाल हम किए वही रचना करेंगे, देखो क्या करेंगे ए बी के बराबर यहाँ कोई लाइन बनाएंगे, क्या नाम दे दो यहाँ पर बी दे दो, और उसी प्रकार ए सी के बराबर यहाँ कोई लाइन बनाएंगे क्या नाम दे दो ई दे दो, और इसको मिला दो क्या है आपके ए बी बराबर क्या है आपके पी डी,
और दूसरी एसी बराबर क्या है आपके बी। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने क्या की है रचना। अब उपपत्ति में ध्यान दे, उपपत्ति देखो सबसे पहले लेंगे हम ये वाला और ये वाला दोनों त्रिभुज। दोनों त्रिभुजों क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें कितनी चीजें बराबर है? तीन। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समान सम हो जाएंगे। क्या क्या नाम है? एबीसी और पीडी। क्या लिखोगे? त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीडीई से कितनी चीजें बराबर कर दो? तीन चीजें बराबर कर दो। एबी बराबर क्या है? पीडी। एसी बराबर क्या है? टी। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने क्या की है रचना। क्या लिखो बताओ? एबी बराबर है आपके पीडी और बीसी बराबर है बीसी एसी। एसी बराबर है आपके टी। बताओ दोनों क्यों बराबर है? रचना से, क्योंकि हमने ये रचना। अब कौन ए बराबर कौन पी? क्यों बराबर है? कौन ए बराबर है कौन पी? सवाल में दिया हुआ है। अब जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हैं, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांशम। क्या लिखोगे बताओ? कौन क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी सी व सर्वांशम है किसके? त्रिभुज पी डी ई के। और नियम कौन सा लगेगा? दो तो बुझे और एक है, कौन है? एस एस ये भी लिखना। कौन से नियम से समरूप होंगे, सर्वांशम होंगे? एस ए एस नियम द्वारा हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज पी डी के। दोनों सर्वांशम हो गए। अब या देखो बताया हुआ है सर्वांशम कैसा हो सकता है? समरूप भी हो सकता है। तो इनको या तो यह लिखो तो भी राइट रहेगा, या लिखो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी डी ई। सर्वांशम कहो तब भी राइट है और समरूप कहो तब भी राइट है। तो ये दोनों तो हो गए आपके समरूप। अब क्या करना है? अब ये वाली लाइन, ये वाली लो, ये चीज देखो, ये यहाँ लेना। क्या नाम है बताओ? एबी बटा पी क्यू बराबर एसी बटा पी आर। एसी बटा पी आर बताओ ये क्यों है? सवाल में दिया हुआ, सवाल में दिया हुआ है। नाम चेंज करेंगे क्योंकि हमें इन दोनों ये दोनों त्रिभुज लेने हैं। पहले ये दोनों तो ले लिए, अब कौन सा लेना है? एक छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला। अगर ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं तो नाम भी किनके आने चाहिए? इनके आने चाहिए। अब देखो ये जो हमारे पास दिया हुआ है PQ और PR, PQ और PR, ये नाम तो मिल रहे हैं। कौन से नाम नहीं मिल रहे? ऊपर वाले, इधर वाले त्रिभुज के। चेंज करो इनको, क्योंकि देखो AB बराबर क्या है? PD। और AC बराबर क्या है? PE। क्योंकि हमने क्या किया है रचना। नाम चेंज कर दो, इनको लिखो वहां पर। AB बराबर क्या है आपके PD। दूसरा AC बराबर क्या है आपके? AC बराबर है आपके P। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने क्या किया है रचना। अब नाम चेंज कर दो यहाँ पे, बताओ AB की जगह क्या लिखोगे? PD। PD बटा PQ। और ऐसी जगह क्या लिखोगे? पी बटा PR। क्या लिखोगे? पी आर। पी टी बटा पी क्यू। पीई बटा पी आर। जो अनुपात छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा और बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा में है, वही अनुपात छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा और बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा। अगर ऐसा है तो रेखाएं कैसी हो जाएगी? कौन सी प्रमेय? 11.2 होगा। क्या लिखोगे? आता है अगर दो त्रिभुजों की भुजाएं कैसी है? अनुपातिक। तो रेखाएं कैसी होती हैं? जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें है। तो ये क्यों आर और डी क्या हो जाएगी आपके? क्या लिखोगे बताओ? डी ई समांतर क्या है आपके? क्यू आर। ऐसा क्यों है? प्रमेय नंबर 11.2। अब रेखाएं समांतर तो कोण क्या कर दो? बराबर। दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। इस त्रिभुज का ये वाला कोण बड़े त्रिभुज का और इस छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है। क्यों बराबर है? कौन से कोण? रेखाएं समांतर तो संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। क्या लिखोगे? कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। ऐसा क्यों? कौन से कोण है?
संगत कोण। अब इसी प्रकार ये वाला कोण कितना, तीन, और ये वाला कोण कितना, चार। रेखा ए समांतर को संगत कोण बराबर कोण नंबर तीन बराबर है कोण नंबर चार। ऐसा क्यों, संगत कोण। अब लगाएंगे प्रमेय नंबर कौन सी, 11.6 ए समरूपता नियम। जिन दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो, दो संगत कोण, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। क्या लिखोगे, अतः ए नियम द्वारा ए लगाओ तो ए लगाओ तीन बार ए समरूपता नियम से क्या नाम है, पीडीई और PQR दोनों कैसे हो जाएंगे समरूप। क्या लिखोगे, त्रिभुज PDE समरूप है, त्रिभुज क्या नाम है PQR, ये इसके समरूप हो गया, ये इसके समरूप हो गया, तीनों क्या हो गए समरूप हो गए। वो नाम लिख दो यहाँ पर, ये तो आ गया पहले, क्या था ये, क्या नाम है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PDE। अब देखो PDE PQR के बराबर और PDE सारे सारे क्या हो गए समरूप। हमें कौन से चाहिए दोनों, लिख दो अतः क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, इतनी